अजमी क्या हुआ अम्मी? मजार पे गई थी, मन्नत के कलावे लेकर आई। बीबी ने कहा है कि अगर ये कलावे अपनी बेटियों के कलाई में डाल दूंगी ना, उनकी शादी हो जाएगी। क्या हो गया अम्मी? हाँ आजमी, तेरी शादी हो जाएगी। मुझे नहीं करनी शादी। क्यों करती हो ऐसी बातें अजमी? तेरा घर बस जाएगा, तेरी औलाद को कोई पालने वाला मिल जाएगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए अम्मी, मैं पाल लूंगी अपनी औलाद को, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं करती हूँ ना सिलाई कढ़ाई, ऐसा क्या करूँ अम्मी कि मैं आप लोगों पर बोझ ना रहूंगा। हमारी चार रोटियां आप आओ। चार रोटियों की नहीं है अजमी, औरत का वजूद तो वजूद नहीं वहशत है, परेशानी है मेरे लिए। मैं देख सकती हूँ तेरी वहशत को, तेरी परेशानी को। बांध ले कलावा, एक मन्नत तो पूरी होने दे मेरी, एक रात, सिर्फ एक रात मुझे सोने दे इसमें, एक बार तो सुकून से सोने दे। बेटियों को बोझ समझना छोड़ दें, सुकून की नींद आ जाएगी। बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां तो अपने माँ बाप का हाथ बटाती और फिर एक दिन उन्हें अपने घर जाना होता है, और इसी तरह जिंदगी चलती है। मैं और मोहम्मद हुसैन अपनी बेटियों को ब्याह कर सुकून हासिल करना चाहते हैं। अगर तुम्हें ये रिश्ता पसंद नहीं है तो रिश्ते तो और भी हैं। मैं अपनी बेटियों को उनके घरों में खुश देखना चाहती हूं। बड़ी बीबी ने कहा था कि अगर बेटियां कलाई में कलावे पहने रहेंगी तो उनके बहुत अच्छे रिश्ते आ जाएंगे। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जिदेंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स, जिक्र होगा अंबियाए कराम, रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। बुल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।